लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। बीते कई दिनों से ये रिश्ता क्या कहलाता है एक खास वजह से लगातार सुर्खियों में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जल्द ही इस सीरियल में 6 महीने का लीप आने वाला है। वहीं ऐसा भी सुनने में आया कि 6 महीने के बजाय सीरियल 7 महीने का लीप आने वाला है। बीते दिनों इस सीरियल में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। फैंस ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर कार्तिक आशी से शादी करेगा या फिर नायरा के पास वापस लौट जाएगा। कुछ ही दिन में पता चला कि उसे नायरा की बीमारी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो नायरा के मुंह से सच सुनने के लिए कई तरह की कोशिशें करता रहा, जिसमें से एक कोशिश थी कि आशी के साथ शादी करना ताकि कार्तिक की दूसरी शादी की बात सुनकर नायरा सारी बात बता दे। खैर कहानी में मोड़ आया और आखिरकार नायरा और कार्तिक की दोबारा शादी हो गई। इसके बाद पिछले एपिसोड में देखा गया कि नायरा की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी सफल हो चुकी है। एक रिपोर्ट पर गौर करें तो इस सीरियल में कुल 2 साल का लीप लिया जाएगा। 2 साल तक अपने मायके में रहने के बाद नायरा आखिरकार सिंघानिया सदन वापस लौट जाएगी। नवरात्रि के शुभ मौके पर पूरा सिंघानिया खानदान नायरा की विदाई की रस्म धूमधाम से करने वाला है। इस दौरान सिंघानिया परिवार का हर एक सदस्य काफी खुश होगा, क्योंकि काफी अरसे बाद नायरा और कार्तिक की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी। फिलहाल तो देखना होगा कि लीप के बाद इस सीरियल में और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। वैसे आप इस सीरियल के अगले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अब तक नवप्रभा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।